नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10 Pro में 6.48 इंच जबकि Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 10 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 10 Pro में 3 इंच जबकि Redmi Note 11S में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 10 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 10 Pro में 0.32 इंच जबकि Redmi Note 11S में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10 Pro में 192 ग्राम जबकि Redmi Note 11S में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 10 Pro में सुपर AMOLED जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 10 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10 Pro में 85.8% जबकि Redmi Note 11S में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 10 Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 10 Pro में Adreno 618 जबकि Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10 Pro में Qualcomm Snapdragon 732G और Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 10 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10 Pro में अप टू 512GB जबकि Redmi Note 11S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Note 10 Pro में 5020mAh जबकि Redmi Note 11S में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
नोट 10 प्रो में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹17,857, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹17,999, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹21,435 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹17,499, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹18,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 10 Pro आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 10 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Vivo V23 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।